अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों हंस पे रिवायत। आज एक और नई वीडियो में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने ब्लॉगर के पेज क्रिएट किए थे, दो जो इंपॉर्टेंट पेज थे, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस। आज की जो वीडियो पार्ट टू है, इसके अंदर हमने बाकी जो ब्लॉगर के पेजेस हैं, रिमेनिंग पेजेस हैं, उसको हम क्रिएट करना सीखेंगे, उसका कॉन्टेंट हम कहाँ से लाएंगे वो देखेंगे, उसकी एम्बेडिंग चेक करेंगे और उसको हम जो मेन मेन्यू है उसके अंदर ऐड करना देखेंगे। आज की जो इस वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम तीन पेज जो हैं, प्राइवेसी पॉलिसी है एंड डिस्क्लेमर है एंड टर्म्स एंड कंडीशन, जो मेन इंपॉर्टेंट पेजेस हैं गूगल एडसन की अप्रूवल हासिल करने के लिए। दोस्तों बिना आपका टाइम ज़ाय किए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये पेज कैसे क्रिएट होते हैं और इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स स्टार्ट टॉपिक। जी तो आ जाते हैं पीसी स्क्रीन पे। यहाँ पे सबसे पहले हम खोलते हैं blogger.com। हम पहले ब्लॉग चेक कर लेते हैं जो लास्ट हमने पेजेस क्रिएट किए थे वो हमारे यहाँ पे हैं कि नहीं है। यहाँ पे मैं आपको ब्लॉग एक दफ़ा विजिट करा दूँ। ये देखें, हमने लास्ट टाइम होम पेज बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यहाँ पे इसको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बाकी अबाउट एंड कॉन्टैक्ट अस हमने पेज बनाया था। आज की जो सीरीज़ है इसके अंदर हम देखेंगे कि बाकी जो रिमेनिंग पेजेस हैं वो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले क्लिक करेंगे पेजेस पे। पेजेस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे, ये देखें दो पेज हमारे ऑलरेडी क्रिएटेड हैं जो हमने क्रिएट किए थे लास्ट वीडियो के अंदर, हमने इसको सीखा था। आज हम न्यू पेज क्रिएट करने जा रहे हैं, वो हम देखें कैसे कैसे हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले ना उसका कॉन्टेंट मैं ले लेता हूँ आपको। कॉन्टेंट के लिए मैं तीनों पेज सेम प्रैक्टिस और सेम तरीक़ेकार से बनेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं उर्दू जॉब्स डॉट ब्लॉग स्पॉट के अंदर, उसकी मैं दिखा देता हूँ आपको ये पेजेस कैसे होते हैं। ये देखिए टर्म्स एंड कंडीशन है, ये डिस्क्लेमर, ये प्राइवेसी पॉलिसी है और इसको हम खोल के देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी को खोल के देखते हैं। सारे सेम ही तरीक़ेकार से बनेंगे, किसी किस्म की कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस पर आप क्लिक किया आपने प्राइवेसी पॉलिसी पर तो इस तरह का ये देखें सारा कुछ, उसकी जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो यहाँ पर लिखी हुई आ गई, ठीक है। अब आप कहेंगे हम इतना सारा कैसे लिखेंगे ना, हम ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं तो प्लेजरिज्म आता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें एक लिंक दिया हुआ है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर का, इस पर आपने क्लिक कर देना है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, आप यहाँ पे भी देख लें जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी। उसी तरह से अगर आपने देखना है टर्म्स एंड कंडीशन का तो वहाँ पे भी आपने जनरेट टर्म्स एंड कंडीशन डॉट कॉम देख लेना है। इस तरह डिस्क्लेमर का भी यही आपके पास होगा। इन तमाम के लिंक्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ये जो है इस लिंक के अंदर आपने इस वेबसाइट के अंदर आना है, अपनी कंपनी का नाम लिखना है, ठीक है। आपका जो ब्लॉग है वो है ये शोबिज एंड टेक, जो पहला ये नेम है ना, ये आपका जो है ना नेम है, इसको आपने कॉपी कर लेना है, यहाँ पे कंपनी नेम दे दे, ठीक है। अब अपनी वेबसाइट का नाम दे दे, वेबसाइट का नाम इसी को सेम एज कॉपी पेस्ट कर ले भले, ठीक है। अब उसका यू आर एल का मतलब ये सारा जितना भी है पूरा लिंक आपने जो है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ये देखें। अब आपने नेक्स्ट करना है। अब आपने यहाँ पे जो है नंबर टू पे एक कंट्री, यहाँ पे आपने अपने कंट्री सिलेक्ट करना है। हमारा पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान सर्च करेंगे, ठीक है। हमारे स्टेट जो है वो अपनी स्टेट के मुताबिक है, जिस भी स्टेट से जिस भी कंट्री से आपने वो चूज़ कर लेंगे। हमारा पंजाब है तो पंजाब नेक्स्ट। यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस है ना वो आपने दे देनी है, ठीक है। आपने जिस ईमेल एड्रेस पे वो बनाया है वो दे सकते हैं, अपनी कोई अलग से आपने रखा हुआ है ईमेल एड्रेस तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से यहाँ पे वही ईमेल एड्रेस देने लगा हूँ जिस पे हमने ये बनाया हुआ है, ये वो आपको कहाँ से पता चलेगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो ईमेल एड्रेस है यहाँ पे इसको आपने कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी और वहाँ पर आपने यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। अब जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी, ये देखें ये इस तरह का जो है एक कोड नुमा आपके पास जो है वो जनरेट हो जाएगा। आपने इसको कुछ भी नहीं छेड़ना, कुछ भी चेंजेस नहीं करनी। यहाँ पे देखें कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड, इसको आपने जस्ट कॉपी करना, ये देखें कॉपीड हो गया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने आ जाना है अपने ब्लॉगर पेजेस के अंदर। ब्लॉगर पेजेस के अंदर आ गए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपने पेजेस पर क्लिक किया हुआ ऑलरेडी, तो यहाँ पर क्रिएट न्यू पेज। तो हम क्या करने जा रहे हैं, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जो है वो क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइटल में आपने लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी और यहाँ पे टेक्स्ट नहीं पेस्ट करना। ये जो मेजर गलती है वो करते हैं और बार बार आप कमेंट्स करके पूछ भी रहेंगे, यहाँ पे आपने पेस्ट नहीं करना। ये जो है चेंज मोड बटन आपने इस पर क्लिक करना है और इसको आपने HTML व्यू में ले जाना है, कंपोज व्यू में नहीं, HTML व्यू में ले जाना है।
तो ये जो थोड़ा सा टेक्स्ट है आपने इसको डिलीट कर देना है और कंट्रोल वी दबा देना, सारा जो टेक्स्ट है वो उसको आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये आपने पेस्ट कर दिया और ये जो है इसको दोबारा आप कंपोज व्यू में ले आएंगे तो आप देखें, ये देखें प्राइवेसी पॉलिसी आपकी जनरेट हो गई है। ठीक है, इसके अंदर आप ही का ईमेल एड्रेस आ रहा होगा, आप ही का नाम आ रहा होगा, सब कुछ आपका, ये देखें ये तमाम तर चीज़ें आपके रिलेटेड जो भी आप प्राइवेसी पॉलिसी के मुताबिक आपको टेक्स्ट चाहिए यहाँ पे, और हेडिंग्स के साथ आपका एक आर्टिकल लिखा हुआ आ गया। आपने सिंपल क्या करना है, इसको पब्लिश कर देना है कन्फर्म। इसी तरह सेम आपने जो है दूसरे पेजेस बना लेने हैं, डिस्क्लेमर का ऐसे बना लेना है, कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पे, और प्राइवेसी पॉलिसी का यहाँ पे बन गया, टर्म्स एंड कंडीशन के भी आपने ऐसे ही सेम एज बना देना है। वो आप कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ उर्जू जॉब डॉट एड से। ये देखिए टर्म्स एंड कंडीशन पेज है, तो इस पर आप क्लिक करें, इस पर जो ही क्लिक करेंगे तो इसका जनरेटर का लिंक कहीं पर होगा, ये देखें टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर का लिंक यहाँ पर दिया हुआ, ये देखें टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर, ये भी सेम एज वैसे ही आपने यहाँ पे अपना नेम, वेबसाइट का नेम, यूआरएल, आगे कंट्री और बिजनेस अपने सारा करके यहाँ से अपने टेक्स्ट कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना। ये टर्म्स एंड कंडीशन इसका भी मैं लिंक दे दूंगा आपको, और डिस्क्लेमर का भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये पेज क्रिएट हो गया, अब हमने पेज को मेन मेन्यू के अंदर लगाना है। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा था, हमने इसको यहाँ पे शो करवाना है, तो वो हमने कैसे करना है, जस्ट हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, यहाँ से शेयर बटन पर क्लिक करेंगे और इसका लिंक जो है हमने यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आ जाएंगे लेआउट में, लेआउट में आने के बाद उसका टॉप मेन्यू या मेन मेन्यू, मेन मेन्यू का हम एडिट करेंगे, तो यहाँ पे देखें होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट, अबाउट और कॉन्टैक्ट पेज ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे। हम यहाँ पे ये जो है ऐड अ न्यू आइटम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उस पेज का नाम रख देंगे जो भी है, नेम है प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, और यहाँ पे जो आपने वो कॉपी किया हुआ यूआरएल आपने उसको जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना है, इसको आपने सेव कर देना है। इसकी आप जो सॉर्टिंग है वो आप चेंज भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट को इसके बाद ले आना है, प्राइवेसी पॉलिसी को ऊपर लेके जाना है तो भी आप कर सकते हैं, अबाउट को नीचे लेके आना है तो भी आप कैसे कर सकते हैं, ये देखें जैसे इसको नीचे रॉ पर क्लिक कर देंगे, कॉन्टैक्ट नीचे चला गया, प्राइवेसी पॉलिसी ऊपर आ गया। ठीक है, आप जैसे इसको सेव करेंगे यहाँ पर, यहाँ पे अपडेट हो गया, और यहाँ पे आके मेजर जो सेव है ऑल चेंजेस सेव, यहाँ पे भी आपने प्रेस कर देना है, इसको सेव कर देना है। यहाँ पे देखिए सेविंग शो हो रहा है सेव, यहाँ पे हम ब्लॉग ऑलरेडी हमने खोला हुआ है तो इसको हम जस्ट रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखें होम, अबाउट और प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज यहाँ पे क्रिएट हो गया, और आगे कॉन्टैक्ट क्योंकि हमने तरतीब थोड़ी सी स्टार्ट आउट चेंज किया था, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे प्राइवेसी एंड पॉलिसी पर, तो ये देखें प्राइवेसी पॉलिसी फॉर टेक शोबिज। ठीक है, आपका ब्लॉग आपके नाम का और सारी चीज़ें वो आपकी ऑलरेडी जनरेटेड यहाँ पे आ गई हैं। सेम एज़ आपने टर्म्स एंड कंडीशन का पेज बनाना है, ये लिंक मैं आपको दे दूंगा, सेम एज़ आपने डिस्क्लेमर का पेज बनाना है, और सेम एज़ ऐसे ही आपने उन तीनों को यहाँ पे लगा देना है, यहाँ पे होम, अबाउट प्राइवेसी पॉलिसी, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद डिस्क्लेमर, उसके बाद बेशक आप कॉन्टैक्ट को यहाँ पे रख दें। तो जी, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मज़ीद इसको आप बना के देखिएगा, बाकी जो रिमेनिंग पेजेस हैं, अगर आपसे किसी किस्म का एरर आता है, किसी किस्म का मसला आता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूँ और जवाब दूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।